एक समय ऐसा था जब झोपड़ी में रहा करते थे कादर खान। हिंदी सिनेमा में अपने अभिनय और कॉमेडी से लोगों का दिल जीतने वाले कादर खान आज जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी हालत फिलहाल बेहद गंभीर है। कादर खान न केवल बतौर एक्टर काम किया है बल्कि कई अभिनेताओं के लिए डायलॉग्स भी लिखा है। उनके अदाकारी की लिस्ट काफी लंबी है, तो चलिए जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ खास किस्से। कादर खान के पिता अब्दुल रहमान खान कंधार अफगानिस्तान के थे, तो माता इकबाल बेगर पेशिन की रहने वाली थी। उनके जन्म से पहले उनका परिवार काबुल में रहता था, लेकिन तीन बड़े भाइयों की जान जाने के बाद उनका परिवार मुंबई आकर बस गया। कादर खान का बचपन काफी गरीबी भरा रहा है, यहाँ तक कि उन्हें झोपड़ी में रहना पड़ा था। कादर खान ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1973 में आई फिल्म डग से की थी। उन्होंने 1974 में आई राजेश खन्ना और मुमताज की फिल्म रोटी के लिए डायलॉग भी लिखे थे। इस फिल्म के लिए उन्हें 1,21,000 रुपए दिए गए थे। कादर खान ने करीब 300 फिल्मों में काम किया है और इसी के साथ ही करीब हिंदी और उर्दू में 250 फिल्मों के डायलॉग भी लिखे हैं। एक वक्त ऐसा था जब कादर खान हीरोइनों से ज्यादा फेमस हो गए थे और दर्शक उन्हें पोस्टर पर देखने के बाद ही लोग फिल्म की टिकट खरीदते थे। कादर खान ने साल 2015 में आई फिल्म दिमाग का दही में आखिरी बार काम किया था। इसके बाद वो लंबे वक्त से सिनेमा जगत से दूर हैं। वह फिलहाल अपने बेटे और बहू के साथ कनाडा में रहते हैं।